रामनवमी के मौके पर प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर सियासत बरकरार है। खरगोन उपद्रव को लेकर मुश्किल में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बचाव में अब उनके पुत्र और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सफाई दी। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो फोटो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की थी वो खरगोन की नहीं थी। जब ये जानकारी उनको लगी तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करती है, उनको मौका मिलता है वो FIR दर्ज करवा देते हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वयं दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया है कि जो ट्वीट किया था वो प्रदेश का नहीं था, जिसके बाद पूरा मामला समाप्त हो गया है। वो फोटो मध्य प्रदेश की नहीं थी, जब हमको जानकारी मिली कि फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है तो उन्होंने ट्वीट भी कर दी। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं क्या परेशानी रहती है दिग्विजय सिंह जी के साथ, हमेशा कुछ भी उनको मौके में FIR दर्ज करा देते हैं। लेकिन जो मूल बात थी कि स्वयं उन्हें स्वीकारा दिग्विजय सिंह ने कि वो ट्वीट अपने प्रदेश के लिए डिलीट कर दी, तो पूरा जो मामला वो खत्म हो गया है। मेरा तो यही विशेष निवेदन है भाजपा सरकार से कि हम सबका प्रयास होना चाहिए है कि जब भी कोई त्यौहार हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे आने वाले दिनों में हनुमान जयंती। इंदौर के निजी कॉलेज परिसर में एक लोडिंग ऑटो चालक युवक की धारदार हथियारों से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मामला तेजाजीनगर थाना क्षेत्र के बायपास का है, जहां एक निजी कॉलेज परिसर में खून में लथपथ शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान अश्विन निवासी राजेंद्र नगर के रूप में की। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, वहीं मर्ग कायम कर शव को PM के लिए अस्पताल भिजवाया। अज्ञात बदमाशों ने अश्विन पर 20 से भी अधिक चाकुओं से वार किए। हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया है। दिनांक 13/4/2022 को प्रातः लगभग 7:30 करीब सेज यूनिवर्सिटी के पास से चौकीदार ने फोन किया थाने पे, बताया तेजाजीनगर थाने पे कि यहाँ पे एक बंदे की लाश पड़ी है सेज यूनिवर्सिटी के पीछे खुले मैदान में। जो हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पे एक लाश पड़ी मिली, खून से लथपथ थी, जिसके पास में एक चार पहिया छोटा वाहन भी खड़ा था। और फिर सारे अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे, जिन्होंने देखा वो लाश के जेब में कुछ उसके ID प्रूफ मिले हैं। उस ID प्रूफ के आधार पर उसका नाम अश्विन पिता शंकर लाल यादव निवासी राजरानी नगर इंदौर का होना पाया गया, जिसके परिजनों को खबर की और वहाँ से लाश को PM कराने के लिए मर्चुरी रूम में लाया गया है। अब PM होने के बाद उसके मृत्यु के संबंध में जानकारी। इंदौर में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने पहले डरा धमका कर युवती का अपहरण किया, शादी की और फिर अपने साथियों की मदद से पीड़ित युवती से दुष्कर्म किया था। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां विदिशा की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को शिकायत की थी कि आरोपी छोटे लाल मीणा ने उसे दोस्ती की और घुमाने के लिए इंदौर लाया था, जहां उसने भाई की हत्या करने की धमकी देकर पहले शादी की और फिर अपने दोस्तों आनंद मीणा और दीपक मीणा की मदद से दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये विदिशा जिले की एक लड़की थी, एक लड़के ने उससे दोस्ती की और उसको एक बार घुमाने के बहाने इंदौर लाया, उसके 2 दोस्त भी साथ में थे और उसके बाद इसने धोखे से शादी कर ली, धमकी देके उसके भाई को वो मार देंगे और दुष्कर्म किया यहाँ पर, और उसके 2 साथियों ने उसका साथ दिया। जैसे मुख्य आरोपी छोटेराम मीणा, उसके साथी आनंद मीणा और दीपक मीणा निवासी शमसाबाद जिला विदिशा, इनको गिरफ्तार किया गया है और 3 को बलात्कार अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, जहां से 3 आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया। परिवारजनों द्वारा शादी ना करवाए जाने से नाराज होकर एक युवक अपने ही भाई का बच्चा लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को नागदा से गिरफ्तार कर लिया। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर का है, जहां रहने वाले राहुल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 7 साल के बच्चे को उसी का छोटा भाई मोंटू घर से उठाकर ले गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को नागदा से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी मोंटू की शादी नहीं हो रही थी, जिससे गुस्साया आरोपी ने अपने ही भाई के बच्चे का अपहरण कर लिया।
कारण यही कोई खास कारण नहीं है, और चूँकि वो ये चाहता था कि बच्चा मेरे पास रहे, जो कि मैं इसका चाचा हूँ, उसकी शादी वगैरह हुई नहीं थी, तो इसी नीयत से वो ले गया था। नीयत हालांकि उसकी कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर भी चूँकि माता पिता के वैध संरक्षण से वो लेके गया, और उसके बाद में माता पिता के कई बार बोलने पर भी उसने उसको वापस नहीं किया, इसलिए उसको एक फोर्सफुली उसने रखा था, इसीलिए उसको आरोप में अपराध गिरफ्तार किया गया। हाँ, बालक को बच्चे को माता पिता के सुपुर्द कर दिया है। अमरवाड़ा में रहवासियों को लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा था। वहीं बुधवार को कांग्रेस ने लोगों की इस समस्या को लेकर प्रभारी सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि नगर में दूषित जल की टेस्टिंग न होने से नगरवासियों को दूषित जल मिल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। दूषित जल को लेकर नगर पालिका के अफसरों को कई बार अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना किया जाएगा। अमरवाड़ा नगर में जो गंदा पानी आ रहा है, उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। जो फिल्टर प्लांट में चूल्हा, चूना, एलम, ब्लीचिंग, इस इनकी यानी जो यूज कर रहे हैं वो घटिया स्तर की है, तो इससे क्या हो रहा है कि बीमारी यहाँ पर फैल रही है। तो आज वो ज्ञापन दिया गया कि इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, नहीं तो आगे से नगर कांग्रेस इसको लेकर धरना करेगी। कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर अमरवाड़ा में पेयजल आपूर्ति के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में पानी की टेस्टिंग एवं घटिया जो चूना एलम का उपयोग किया जा रहा है, उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। भविष्य में इन सब दूरियों को, कमियों को खत्म किया जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत। मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक नगर परिषद महुगांव द्वारा अब प्रतिवर्ष नगर परिषद महुगांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इस दौरान बाबा साहेब के अनुयायी व परिषद के सम्माननीय नगरवासी मौजूद रहेंगे। आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई। बधाई करता नगर परिषद महुगांव, डॉक्टर अंबेडकर नगर।